हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत लोग ने मैसेज किया था, भाई एक थोड़ा सा वीडियोस मतलब अपनी ड्यूटीज़ की बता दो, और यहाँ पे मतलब जॉब के लिए इसलिए क्या है, कैसे मतलब अप्लाई करें, क्या है। तो भाई मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बनाया हूँ, आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फिर भी मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कैसे क्या करना है। भाई देखो यार, स्टार्टिंग में ना जॉब तो एज़ अ फ्रेशर यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल क्या है, थोड़ा सा क्लिक होना है, ठीक है। मुश्किल थोड़ा सा क्या, क्लिक हो गया जिस दिन उस दिन आसानी से इजीली मिल जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, भाई इट्स माय सजेशन, जो मैंने किया है वो मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये करना पड़ेगा। क्या हुआ, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ कर लगभग आई थिंक 6 बजे के अराउंड उठ कर, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ कर आपको CV को पहले, सबसे पहले आपने जिस पे CV अपडेट किया है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडीड, लिंक्डइन, नौकरी गल्फ, स्किल बी एंड ड्यूविजल, ये 4-5 वेबसाइट है, और इंडीड सबसे अच्छी है, और लिंक्डइन, जैसे लिंक्डइन में क्या है, कनेक्शन बढ़ाओ, लोगों को मैसेज करो, अपनी CV भेजो। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग आप डेली उठकर इंडीड को, न्यू जो भी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन जॉब सर्च वाली वेबसाइट है, उस पर जाके अपने को अपडेट करो। अपडेट का मतलब ये नहीं CV हमेशा आप CV इरेज करके फिर अपलोड करना, नहीं। कोई भी कंटेंट उसमें लिखा हो, जो थोड़ा सा आपने कवर लेटर लिखा उसको में फुल स्टॉप हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो, कोई कंटेंट दूसरी लाइन लिख दो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी हमेशा CV ऊपर की तरफ रहती है। अगर जैसे लोग हमेशा कितनी CV लोग अपलोड करते हैं, अपडेट बनाते हैं, अकाउंट बनता, तो उसी हिसाब से 10-15 के, अगर 10 ऊपर से 1-10 के बीच में रहोगे तो मोस्टली कंपनियां क्या करती है, 1 से 10 तक CV देखती है, उसी में से शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है, ठीक है। और आप अगर अपडेट नहीं करोगे अपने का, वो CV धीरे धीरे नीचे तहखाने में पहुँच जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को भाई देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि आपको ये डेली प्रोसेस करना है, एक दिन नहीं करना है मेरे यार। डेफिनेटली आपको कॉल ज़रूर आएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये करना नहीं कि मेरी कॉल नहीं आ रही है, मैं क्या, हरदम एक्टिव रहना है भाई, हरदम एक्टिव। मैं हकीकत बता दूँ, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना भाई, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं दुबई जॉब सर्च करने, आने के बाद क्या करते हैं, रूम पे बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, वाईफाई मिल गया, फिर यहाँ पे तो टिकटॉक है, टिकटॉक मिल गया, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा, ठीक है भाई। तो वो चीज़ मत करना यार आके, ठीक है। यहाँ पे जॉब करने आए हो, जॉब अगर आपने सर्च करने आए हो, यहाँ पे फैमिली को छोड़ के आए हो, पैसा लगा रहे हो, मोस्टली पैसा लग रहा है, फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी सच्चाई, बहुत यार मतलब ये बहुत लोग आते हैं ना, रूम पर सोकर चले जाते हैं भाई, जॉब नहीं सर्च करते हैं, टिकटॉक ही चलाते रहते हैं, और फिर टाइम ओवर हो जाता है। क्योंकि 60 डेज़ का वीज़ा, अगर 60 डेज़ का आपका, एक महीने का, कि जितने महीने का वीज़ा होगा, जितने डेज़ का होगा, वो एक एक दिन क्या, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी के यहाँ रहोगे या कहीं पेड स्पेस लोगे, जो भी है, डेली का पैसा भाई आप जानते हो, यहाँ पे दिरहम में खर्चा होगा, दिरहम का खर्चा मतलब इंडियन, एक दिरहम इंडियन 22-23 रुपया हो गया, तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब कि मुश्किल है यहाँ पे। बट एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग जाएगी, तो आप जितना भी 1-1.5 लाख रुपये खर्चा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने में आप कवर कर लोगे। तो ये है, फिर आने के बाद भाई आप दौड़ो, मतलब दूसरी मैं थिंग बताऊंगा कि आपको डेली जाके CV डेली जाके कंपनियों को, मतलब कि जितनी ऑनलाइन में कंपनियां अप्लाई करती है, जितनी आपको ऑनलाइन कंपनियां जॉब देती है, मतलब कि अपना एडवर्टीजमेंट डालती है कि मेरे यहाँ वैकेंसी खाली, सबको जाके आपको उसको आप पर्सनली जाकर भाई मैसेज भी कर सकते हो कंपनी को, ठीक है। आप पर्सनली उनको मैसेज भी जाके कर सकते हो, जैसे इंडीड पे क्या होता है, उनके मैसेज की ऑप्शन होते हैं, अपनी CV भी अपडेट भेज सकते हो, कवर लेटर शॉर्ट में लिख सकते हो कि मैं क्या 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 किया हूँ। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये करना पड़ेगा। फिर एक दिन हफ्ते में क्या करना है, एक दिन बनाना भाई कि मुझे जाके डोर टू डोर उस जिस एरिया में जाना, जिस साइड जाना, उस टाइप का लोकेशन GPS ऑन कर लेना, ठीक है। वहाँ जाने के बाद जितनी भी कंपनियाँ हैं सबको डोर टू डोर जाकर आप CV ड्रॉप करो। मे भी हो सकता है, कभी कभी उसमें भी जाके क्लिक हो जाती है, कभी जाओ वैकेंसी होती है वहीं, इंटरव्यू देन होता है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो वो भी कभी कभी हो जाता है क्लिक, एक बार मेरे साथ हुआ था, बट मैं ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो ये भी हो जाता है। तो ऐसा कर सकते हो भाई, और फिलहाल मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आपको जॉब स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर की जॉब, मतलब कि थोड़ा से मेहनत करना पड़ेगा, हर जगह फ्रेशर के लिए दौड़ना पड़ेगा, चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, आपको फ्रेशर के लिए एंट्री करना कंपनियों में बहुत बड़ा काम है। तो
तो एक बार कर लोगे ना, 1.5 साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल ज्ञान के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। और भाई देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ना कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। किसी के पास ना इतना पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा है तो पैसे से कर सकता है। दूसरा, कोई भी आपका मतलब टाइम नहीं दे सकता भाई, वो टाइम आप किसी को दे नहीं सकता, वो आपको खुद दौड़ना पड़ेगा। किसी के पास ना टाइम नहीं है, ठीक है, वो अपना देखेगा कि आपके लिए देखेगा। तो ये भी सोच समझ के सेल्फ डिपेंड होकर ही आना, ओके। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।